जोधपुर जिले की कांसाबेल थाना पुलिस ने नाला के किनारे गौवंश का वध कर उसका मांस तैयार कर रहे 8 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि सहरापानी घुघरी नाला के किनारे में कुछ लोग खाने एवं विक्रय करने के उद्देश्य से गौवंश का वध कर उसका मांस काट रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशिमोहन सिंह द्वारा तत्काल उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियुक्तों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उक्त निर्देश के परिपालन में पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर इधर उधर भाग रहे सेबेस्टिन तिग्गा, सनातन लकड़ा, पैकरा लकड़ा, संतोष लकड़ा, उत्तम दान, सुमन टोपो, जुवेल दान एवं विनीत लकड़ा को पकड़ा गया, जिनके द्वारा घुघरी नदी के किनारे एक सफेद रंग के बैल को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर खाने एवं बिक्री करने हेतु मांस का टुकड़ा 5 किलो क्षमता वाली 10 अलग अलग प्लास्टिक की थैलियां, कुल लगभग 50 किलो एवं एक प्लास्टिक बोरी में लगभग 40 किलो मांस का टुकड़ा एवं मौके पर बैल का चमड़ा सहित सिंग लगे हुए बैल के चारों पैर और खुर सहित मौके पर पाए गए। कल शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि कांसाबेल थाना क्षेत्र के घुघरी नाला के पास में सुरहापानी ग्राम में कुछ लोग एक बैल को वहां पे काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के एसडीओपी विजय राजपूत और थाना प्रभारी अशोक यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और मौके पर रवाना किया गया। वहां जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया, जिसमें से 4 आरोपी जो कि उस बैल को काटने की प्रक्रिया में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही मांस खरीदने वाले 4 ग्राहकों को भी वहीं मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 और 10 के तहत, साथ ही IPC की धारा 429 के तहत भी मामला पंजीबद्ध किया गया और इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इन्होंने अपराध कबूल किया, इन सभी को रिमांड पे भेजा जा रहा है और इनके पास से वो जो मांस भी जब्त हुई है, 4 कुल्हाड़ी, 3 चाकू और जो अन्य उपकरण थे वो सारे जब्त कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।